हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई गेस अच्छी चल रही होगी। एंड वन मंथ रह गया है, एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, टाइम बहुत कम है, ओनली 30-35 डेज आर लेफ्ट। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बिना टाइम वेस्ट किए, एंड डू द रिवीजन ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट्स एंड सॉल्व द पेपर्स एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, कि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व करो जिससे आपको रिटर्न प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। एंड 1 to 2 पेपर्स, अगर 2 भी नहीं तो 1 पेपर तो आपको एक सॉल्व करके ही जाना चाहिए एग्ज़ाम में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आता है कि एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है। तो गाइज, हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑडिट ऑफ PSUs बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, चैप्टर नंबर 18, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Question number 1, what are the principles involved regarding propriety audit in the case of public sector undertakings? Now, propriety audit mein pooch raha hai ki kaun se principles involved hai. So before reading the principles, what do you mean by propriety audit? Propriety ka matlab basically hota hai kisi cheez ke behavior ko, morals ko judge karna. ठीक है, हम फाइनेंशियल फिगर्स तो चेक करते ही हैं ऑडिट में, लेकिन फाइनेंशियल फिगर्स के साथ साथ हमें ये भी चेक करना होता है कि जो रूल्स हैं वो करेक्टली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, व्हाट इज़ राइट एंड अप्रोप्रिएट, ये चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि जस्ट फाइनेंशियल फिगर्स को चेक करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए हम अपने मॉरल्स को भूल गए हैं और हम कुछ कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उसमें आपको अपने नॉर्मल फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट के साथ साथ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ऑल भी चेक करना होता है कि कंपनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो उन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैंडर्ड्स, बिहेवियर्स, मॉरल्स, रूल्स का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन सबको चेक करने को बेसिकली हम कहते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। कंपनीज एक्ट लेज डाउन स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रजिस्टर्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हम CAG बोलते हैं इन शॉर्ट, CAG टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है एडिशनल ऑडिट, कि एक ऑडिट हो गया है, कुछ और चेक करना बाकी रह गया है तो हम सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट ऑडिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशनल ऑडिट, कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें टेस्ट करनी है तो टेस्ट ऑडिट गवर्नमेंट जो है वो करने के लिए बोलती है, CAG ऑर्डर करता है। ठीक है, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लाइंस ऑडिट, ओनली फाइनेंशियल और कंप्लाइंस ऑडिट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस विद विच दीज ऑपरेट एंड फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है, कितनी एफिशिएंट है, कितनी इकोनॉमिकल है एंड कितना इफेक्टिवली आप काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी चेक होती है इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिस्पाइट कि आप फाइनेंशियल और कंप्लाइंस ऑडिट तो कर ही रहे हो। ठीक है, एंड फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए कितना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, Another aspect of audit relates to questions of propriety. This audit is directed towards an examination of management decisions in sales, purchase, contracts, etc. to see whether these have been taken in the best interest of the undertaking and conform to accepted principles of financial propriety. ये बोल रहा है कि हम एग्जामिन करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं सेल्स के रिगार्डिंग, परचेजेस के रिगार्डिंग, ये चेक करने के लिए क्या वो बेस्ट इंटरेस्ट में लिए गए हैं, और सारे जो भी हम फाइनेंशियल चेक करते हैं, फाइनेंशियली जो हम फिगर्स को चेक करते हैं, क्या उनके प्रिंसिपल से कन्फर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम मैनेजमेंट कुछ भी डिसीजन ले रहा है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए एंड कुछ भी कंपनी में गलत हो रहा है। तो कितने इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट डिसीजंस लिए गए हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बेसिकली चेक किया जाता है। ठीक है, प्रोप्राइटी ऑडिट स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स
on the test of public interest, commonly accepted customs and standards of conduct. ये पर्टिकुलर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना. आपको जब भी प्रॉपर्टी ऑडिट का क्वेश्चन आएगा आपको ये चीज़ लिख के आनी है कंपल्सरीली. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आपको ये तीन वर्ड्स लिख के आने हैं. प्रॉपर्टी ऑडिट स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड. वन इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट, सेकेंड इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड थर्ड इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंडक्ट. ठीक है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होगा, कस्टम्स फॉलो करने होंगे एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑडिट की डेफिनेशन ही यही होती है कि आपको स्टैंडर्ड्स, बिहेवियर्स, मॉरल्स, कस्टम्स फॉलो करने हैं. ठीक है, बाकी गोल्स के साथ साथ. ठीक है, तो अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीन वर्ड्स याद रखना, क्या क्या हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स. ओके, ऑन एन एनालिसिस दीज टेस्ट बॉयल डाउन टू टेस्ट ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड फेथफुलनेस. अल्टीमेटली जब हम ये तीनों चीज़ें चेक करते हैं तो हम अपनी इकोनॉमिकल चेक कर रहे हैं, एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, हम कितने फेथफुल हैं अपने काम की तरफ, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड एविडेंसेस, इट शिफ्ट्स द एम्फेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड लुक्स इनटू द एप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. बेसिकली इसको यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट से कंपेयर किया गया है. फाइनेंशियल ऑडिट में आप कैसे चेकिंग करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, वाउचर्स चेक करते हो, एविडेंसेस चेक करते हो, लेकिन प्रोप्राइटी ऑडिट में वहाँ से शिफ्ट होकर हमारा एम्फेसिस आ जाता है कि हम अप्रोप्रिएटनेस चेक करें, फाइनेंशियल प्रूडेंस चेक करें. कि प्रूडेंस का मतलब होता है बेसिकली केयरफुली काम करना. ठीक है, तो आप फाइनेंशियली कितने वाइज हो, कितने रीजनेबल तरीके से काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, फालतू का खर्चा नहीं कर रहे हो. जितना एक्सपेंस हो रहा है, जो भी आप कंपनी के गोल्स में लगा रहे हो अचीव करने के लिए, तो वो सब फ्रूटफुल है. ठीक है, कुछ भी फालतू का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. दस प्रोप्राइटी ऑडिट इज कंसर्न्ड विद स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस and decision bearing on the financial and the profit and loss situation of the company. Executive के actions क्या क्या हैं वो check करते हैं, decisions जो हैं उनका profit and loss के situation पर क्या असर आया है वो check होता है. और हर चीज़ में आपको public interest का ध्यान रखना है. कुछ भी चीज़ जो है वो public interest के against नहीं होनी चाहिए. ठीक है, and customs and standards को ध्यान रखना है. ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके कस्टम स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए सोसाइटी के. इट हैज़ ऑल्सो सीन वेदर एवरी ऑफिसर हैज़ एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस. What it is saying that कि जो भी officer है public enterprise का, वो हर एक officer अगर एक रुपये भी खर्च कर रहा है तो वो उस amount को ऐसे खर्चेगा जैसे वो उसका खुद का amount है. ठीक है, आपके पास खुद के पैसे होते हैं, आप बहुत सोच सोच के खर्चते हो ना, उसको संभाल के रखते हो, तो आपको वो same vigilance, vigilance का मतलब होता है alertness. ठीक है, वही सेम अटेंशन, वही आप सेम चीज़ें फॉलो करोगे जो आप खुद के मनी में. ठीक है, एंड प्रूडेंस का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया ही है, कितना रीजनेबल तरीके से आप काम कर रहे हो, कितना वाइज हो, कितने केयरफुल हो. ठीक है, तो जितना आप अपने पैसे को लेकर बहुत केयरफुल रहते हो, उसी तरीके से हर ऑफिसर को वही विजिलेंस और वही प्रूडेंस, जो भी पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप, जो भी पब्लिक एंटरप्राइज की तरफ से जो भी पब्लिक के लिए खर्चा हो रहा है, तो आप उसको ऐसे मान के चलोगे कि वो आपका अमाउंट है. आप अपना अमाउंट कभी भी वेस्ट नहीं करोगे ना, आप अच्छी जगह पर लगाओगे. तो सेम अगर आपका पब्लिक मनी है, तो आप पब्लिक मनी को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ से पब्लिक को एडवांटेज हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है, और अपना पैसा मान के उसको इन्वेस्ट करोगे. ठीक है, सम जनरल प्रिंसिपल्स हैव बीन लेड डाउन इन द ऑडिट कोड विच हैव फॉर लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी. ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी सीक्स टू ensure that expenditure conforms to these principles which have been stated as follows. ठीक है, जो भी expenditure आप कर रहे हो उनके लिए आपको ये principles follow करने हैं जो भी नीचे given हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर आपको खर्चा करना है. ठीक है, expenditure क्या क्या है, first है
The expenditure should not prima facie more than the occasion demands. Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public monies as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. Repeated sentence है, ठीक है, ये बोल रहा है कि आप कोई भी खर्चा करोगे तो उतना ही करोगे जितना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहिए, जितना ओकेजन डिमांड कर रहा है. ऐसा नहीं कि कहीं पे 5 रुपए की चीज से काम चल सकता है तो आप जबरदस्ती 15 रुपए खर्च करके वेस्ट कर रहे हो मनी को. ठीक है, तो जितना चाहिए आप उतना ही यूज़ कर रहे हो. बाकी ये सेम सेंटेंस रिपीटेड है कि आपको अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करना है पब्लिक मनी में. ठीक है, पब्लिक मनी को. सेकेंड पॉइंट है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सेंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज. कोई भी अथॉरिटी कोई भी एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चे को सेंक्शन नहीं करेगी, अप्रूव नहीं करेगी, जिससे डायरेक्टली और डायरेक्टली उसका खुद का बेनिफिट हो रहा हो. ठीक है, आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे, आप खुद के बेनिफिट के लिए काम नहीं करोगे, तो कोई भी अथॉरिटी ऐसा कुछ अमाउंट अप्रूव नहीं करेगी जिससे उसका खुद का पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो. ठीक है, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, जो लोगों का पैसा है, जो पब्लिक मनी है, उसको हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, वो ओवरऑल पब्लिक के लिए यूज़ होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज़ नहीं होगा. ठीक है, फोर्थ पार्ट, अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड, नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन टू इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल एम्प्लॉयज एंड अदर्स. ठीक है, जो भी मैनेजमेंट पर्सोनल है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको सिर्फ रेम्यूनरेशन मिलेगा और जो भी बोनस एंड ऑल अलॉट होता है अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो या कुछ भी रीज़न की वजह से परफॉर्मेंस अगर आपका अप्रेजल हो रहा है, तो बेसिकली जो भी रेम्यूनरेशन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सैलरी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी और एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, आप सिर्फ रेम्यूनरेशन पे करोगे. It may be stated that it is the responsibility of the executive departments to enforce economy in the public expenditure. The aim of the propriety audit is to bring to the notice of the proper authorities of wastefulness in the public administration and cases of improper, avoidable and infructuous expenditure. Infructuous is unfruitful. ठीक है, जो आपके benefit के लिए नहीं है. ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं हो रहा है. प्रॉपर्टी ऑडिट का एम है कि जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं उनके नोटिस में क्या क्या चीज़ें आएँ, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टफुल चीज़ें हो रही हैं, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, वो जो भी वेस्ट हो रहा है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ को पता लग जाए. ठीक है, कोई भी इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई भी अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो नहीं करना चाहिए था आप अवॉइड कर सकते हो फिर भी आप कर रहे हो, और इनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी हमारे किसी बेनिफिट का नहीं है फिर भी हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, इस टाइप का कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, बेसिकली कुछ भी वेस्टेज हो रही है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ की नोटिस में आ रहा है. दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द प्रोप्राइटी ऑडिट. प्लस आपको स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट्स बोले, पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम, स्टैंडर्ड्स, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. आपको ये चीज़ मैंशन करके आनी है, दैट वेरीफिकेशन ऑफ द पब्लिक स्टैंडर्ड्स, पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोप्राइटी ऑडिट. इट्स द सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यहाँ पे शॉर्ट नोट बोल दिया है प्रोप्राइटी ऑडिट का. आंसर इज द सेम, हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको रीड कर लेना. ठीक है, और वो जो डेफिनेशन गिवन थी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम और स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व था, वो किसने दी थी? ई एल कोलर ने दी थी. ठीक है, एज पर ई एल कोलर. अगर आपको नाम याद हो जाए तो आप पेपर में लिख देना ये डेफिनेशन, नहीं याद होता है तो आप सिर्फ पर्टिकुलरली डेफिनेशन मेंशन करके आओगे तो भी चलेगा. एंड बाकी आंसर एकदम रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है, वही सेम 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं. बस लास्ट आंसर में थोड़ा डिटेल गिवन था एंड इसमें उसका थोड़ा शॉर्ट नोट है, तो बेसिकली ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. What is comprehensive audit of public enterprises? Discuss some of the areas to be examined therein. Now, what is comprehensive audit? Comprehensive का basically मतलब होता है full, पूरा coverage.
ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हम वाइड रेंज कवर करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ें इंक्लूड होती है। आपका मैनेजमेंट का ऑडिट कवर होता है, आपका क्या नाम है ये प्रोप्राइटी ऑडिट भी कवर होता है, आपका फाइनेंशियल ऑडिट भी कवर होता है, आपके कंप्लाइंसेस भी चेक होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट मीन्स पब्लिक एंटरप्राइज का एक फुल ऑडिट, ठीक है। इसको हम बेसिकली वैल्यू फॉर ऑडिट, फॉर वैल्यू फॉर मनी ऑडिट भी बोलते हैं, ठीक है, कि जो भी आप मनी लगा रहे हो, जो भी कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, आप ओवरऑल उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आप ओवरऑल उसको कैसे चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल लेवल पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हम देखते हैं, आंसर्स देखते हैं। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज डिटरमिन्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी स्कोप है हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऑडिट का, वो स्कोप कौन डिफाइन करता है, वो CAG डिफाइन करता है कि हमारा स्कोप क्या है, ठीक है। ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लाइंस ऑडिट। ऑडिट जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, उसमें सिर्फ हम फाइनेंशियल और कंप्लाइंस ऑडिट नहीं देखते हैं। इट एक्सटेंड्स टू एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस विद विच दीज ऑपरेट एंड फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स, ठीक है। बेसिकली प्रोप्राइटी ऑडिट की बात कर रहा है कि फर्दर हम प्रोप्राइटी भी चेक करते हैं। Another aspect of such audit relates to questions of propriety. This audit is directed towards an examination of the management decisions in the sales, purchase, contracts, etc. to see whether these have been taken in the best interest of the undertaking and conform to the expected principles of the financial propriety. ठीक है, financial propriety का हम short note कर चुके हैं, उसी को repeat किया है कि compliance और financial audit के अलावा हमें effectiveness, efficiency check करनी होती है, plus हमें propriety audit करना पड़ता है कि management के decisions ठीक हैं या नहीं हैं, ठीक है। फिर फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की बात कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इन्वॉल्व्स असेसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इट्स एंटायरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको बताया था, मतलब होता है फुल ऑडिट, ठीक है, हर चीज़ कवर कर रहा है। तो पूरे इंटायरली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं, कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया, वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम सब चीज़ें चेक करेंगे। ओवरऑल चेकिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव बीन सेट अप विद सोशियो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, उनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो बेसिकली पब्लिक के लिए काम करती हैं। एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट विद रेफरेंस टू सच ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट वुड रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं हम कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को, एम्स जो भी हैं उस कंपनी के, उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी फुलफिलमेंट को चेक करने के लिए हमें एक ओवरऑल ऑडिट की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। बेसिकली इस पैरा में उन्होंने हर टाइप के ऑडिट का डिफाइन किया है कि आपको ये ऑडिट करवाने होते हैं, सिर्फ आपको कंप्लायंस या फाइनेंशियल ऑडिट नहीं चाहिए होता, इसके अलावा और भी ऑडिट्स करवाने होते हैं, ठीक है। नाउ अब फर्दर आपको एक बेसिक इंट्रो दे दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, क्या क्या ऑडिट्स होते हैं। अब आगे ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को और डिफाइन कर रहा है। The starting point of comprehensive audit of public enterprises, which covers aspects of economy, efficiency and effectiveness, is the preparation of audit program based on the study of decisions relating to the setting up of the enterprise, its objectives, the areas of operation, organization, financial and operational details available in the annual reports and accounts, capital and operational budgets, deliberations of the board of directors, material in earlier audit inspection reports on the enterprise and other relevant papers. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, हम इनको चेक करेंगे कि इनके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया जा रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंसी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें कवर है जिसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम का प्रिपरेशन करेंगे हम, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ऑडिट प्रोग्राम बनाना, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कि एंटरप्राइज का कैसे सेटअप हुई है, क्या क्या डिसीजन लिया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
ऑपरेशंस के एरियाज़ क्या क्या है, कौन कौन से एरियाज़ कवर कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशनल डिटेल्स क्या क्या हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश की गई है, अकाउंट्स चेक करेंगे, कैपिटल कितनी है, बजट्स क्या क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, ठीक है, पहले जो ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स थी, जो पहले की ऑडिट रिपोर्ट्स थी उनमें क्या क्या मटीरियल कुछ क्वालिफिकेशंस गई हैं कि नहीं गई, क्या क्या हमारी व्यूज़ थे उसमें, एंड कुछ भी अगर रेलिवेंट पेपर्स हैं तो वो भी चेक होते हैं, ठीक है। ये जो ऑडिट प्रोग्राम्स हैं और ये जो गाइडलाइंस हैं, दीज गाइडलाइंस आइडेंटिफाई द एरियाज एस्पेक्ट्स विच रिक्वायर फर्दर डिटेल्ड ऑडिट एनालिसिस एंड क्राइटेरिया, द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सच एनालिसिस एंड द सोर्सेज ऑफ सच डेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम हमने बनाया ये फर्दर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में हमें और डिटेल तरीके से और डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस डिटेल्ड एनालिसिस को करने के लिए हमें क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है और उस डेटा का सोर्स क्या है, ठीक है, उस एक्सटेंट क्या है ऑडिट एनालिसिस का, ठीक है, क्या क्या टेस्ट चेक करने वाले हैं हम, कौन कौन से चेक्स अप्लाई करेंगे एंड कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टीज़ के लिए काम करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, पूरे एरियाज़ को कवर कर रहा है, ठीक है, सारे एरियाज़ जो भी हैं उनको कवर कर रहा है कि ये एरियाज़ हैं ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, फिर उसमें से हम चेक कर रहे हैं कि कौन से एरिया को डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, ठीक है, उस एनालिसिस को करने के लिए क्या क्या सोर्स है, क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, उस डेटा का सोर्स क्या है और कौन कौन से चेक्स और इंस्ट्रक्शंस आप अप्लाई कर रहे हो टू, और क्या क्या आपने डेलीगेट किया है काम, ठीक है। नाउ द एरियाज़ कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आर दोज ऑफ, बहुत सारे एरियाज़ गिवन है, बेसिकली आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक फुल ऑडिट है, तो दुनिया भर की जितने भी आपके एरियाज़ हैं कंपनी में वो ऑलमोस्ट सब कवर होंगे, आप कुछ भी कर रहे हो बीट तो उन सब का एनालिसिस होगा। जैसे कि हम फटाफट रीड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट कैसे कर रहे हो आप पावर्स को, MIS क्या क्या प्रिपेयर हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या क्या है, इक्विपमेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस कैसा है, मटेरियल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी कैसी है, आइडल कैपेसिटी है या नहीं है, कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या है प्रोडक्ट्स के, डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंसिलरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अगर पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ तो उसको कैसे डेवलप कर रहे हो आप, मटेरियल का कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, सेल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल, बजटरी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैसे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऑल सॉर्ट ऑफ एरियाज़ यहाँ पर कवर हैं। एंड दीज एरियाज़ कवर्ड इन द कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट विल नेचुरली वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशंस। नेचुरल सी बात है, ये बोल रहा है कि हर एक एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज वेरी करेगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ये एरियाज़ हैं चेक करने वाले, तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी कंपनी होगी सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एरियाज़ को डिफाइन करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल एरियाज़ गिवन है जो जनरल हर कंपनी में होते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज़, कुछ एरियाज़ इन्होंने अलग से हमें आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं कि कंपैरिजन करेंगे ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट कितनी है विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, कि हमने प्लान किया था कि हम 500,000 स्पेंड करेंगे लेकिन एक्चुअल में हमने कितना स्पेंड किया, हमारा कैपिटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उनका कंपैरिजन करेंगे। प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट विज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, हमारा कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करे और हमारी कैपेसिटी कितनी थी। सपोज़ आपकी कैपेसिटी 5,000 यूनिट्स की है और आपने आपने प्रोडक्शन किया 3,000 यूनिट्स का, तो कितना अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका, ठीक है, कितना फर्दर हम यूटिलाइज करके बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। सिस्टम्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, क्या प्लान किया है कि कितना अचीव करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो कि फालतू का खर्चा ना हो, आपके कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, R&D कैसे हो रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस को कैसे चेक कर रहे हो, परचेज पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स कैसे क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे हो रही है, एंड अनड्यू वेस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम फॉर मैन एंड मशीन्स, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन
और इवन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली ये तो हो गया आइडल टाइम आपका, फालतू का आइडल टाइम अगर जा रहा है तो कहाँ वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है. और अगर यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, जैसे ऊपर की आप अंडर यूटिलाइजेशन चेक कर रहे थे, तो क्यों अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है. तो इस आंसर में बेसिकली अगर समराइज करना हो तो पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट बताए थे कि कौन कौन से नेसेसरी हैं फाइनेंशियल कंप्लाइंस के अलावा. इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी चेक करनी होती है, फिर प्रोप्राइटी ऑडिट करना होता है, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पे आते हो. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ब्रॉड एरियाज कवर हैं आपके, जिसमें आप ऑलमोस्ट हर चीज़ें चेक करते हो कि कंपनी कैसे सेटअप हुई, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या एरियाज थे, बजट्स क्या क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या आपके रेलेवेंट पेपर्स हैं, ठीक है. फिर आप एरियाज़ डिफाइन करोगे कि किन किन एरियाज़ में आपको ऑडिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है डिटेल में, डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड है, डेटा के सोर्सेज क्या क्या हैं. फिर आप चेक्स अप्लाई करोगे उन पे, टेस्ट चेक करोगे उन्होंने पर्टिकुलर एरियाज़ में. देन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में बहुत सारे एरियाज़ कवर थे, जैसे कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स, MIS, हमारी इफेक्टिवनेस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्लांट एंड मशीनरीज परफॉर्मेंस, यूज़ कैसे कर रहे हो आप मटेरियल्स का, ठीक है, बजटरी कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें चेक हो रही हैं. तो इन सब एरियाज़ का है, ये वेरी करेगा फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज. एंड उस एक ब्रॉड एरियाज़ एक ऑब्जेक्टिव्स हमें गिवन है कि ये ब्रॉड एरियाज़ हैं जो आप कवर करोगे, बाकी आपका एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज वेरी करेगा. उन ब्रॉड एरियाज़ में ओवरऑल कॉस्ट को प्लांट कॉस्ट से आप कंपेयर कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे हो रही है, कोई अनड्यू वेस्टेज ऑफ टाइम और मटीरियल तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे. तो यहाँ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का क्वेश्चन ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Write a short explanatory note on areas of propriety audit under section 143(1) of the Companies Act 2013. ठीक है, propriety audit में कौन कौन से areas cover हैं. 143(1) of the Companies Act requires the auditors to make inquiry into certain specific areas. Propriety audit में आप कुछ specific areas में inquiry करते हो. In some of the areas, the auditor has to examine द सेम फ्रॉम प्रोप्राइटी एंगल. ठीक है, इन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिनको ऑडिटर को प्रोप्राइटी एंगल से एग्जामिन करना पड़ता है कि उन एरियाज में प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपर आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपर आपके कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, उनमें कोई आपका लैप्सेस तो नहीं है, ठीक है. और जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपके प्रिंसिपल्स कवर थे कि आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कि आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना करो, जिसमें ये सब पॉइंट्स थे कि आप एक्सपेंडिचर को ऐसा मान के चलो कि आपका खुद का है, तो वो आपके प्रिंसिपल्स थे. यहाँ पर आपसे पूछा है एरियाज क्या क्या हैं जहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है. यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स नहीं मांगे हैं, यहाँ पर आपके एरियाज मांगे हैं, ठीक है. तो एरियाज कौन कौन से हैं, एरियाज हम देखते हैं. फर्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस. आप लोन्स एंड एडवांसेस में क्या चेक करोगे कि वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स. आपने कोई भी अगर लोन दिया है, कोई भी एडवांस दिया है, तो क्या वो सिक्योरिटी के बेसिस पे दिया है, और अगर दिया है तो क्या प्रॉपर्ली सिक्योर हो गया है, आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है, और जो भी टर्म्स है लोन एडवांसेस की वो कंपनी या फिर मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, उनके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है. वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी, फिर सेकंड है, फर्स्ट इज लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, एंड सेकेंड हम ट्रांजेक्शन्स चेक कर रहे हैं. ट्रांजेक्शन्स में विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय द बुक एंट्रीज आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अगेन कंसिडरिंग द प्रोप्राइटी एलिमेंट, रैशनलाइजिंग द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द लोन्स इन एडवांस गिवन बाय द कंपनी इज मेड. ठीक है, वो बोल रहा है ट्रांजेक्शन्स चेक करोगे जिनको आप बुक एंट्रीज कर रहे हो, क्या कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर इस पर्टिकुलर चीज़ में आप प्रोप्राइटी एलिमेंट देखोगे तो प्रॉपर जितने भी लोन्स एडवांसेस हैं उनका डिस्क्लोजर जाएगा कि कंपनी ने कौन कौन से लोन एडवांसेस लिए हैं, दिए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है. मतलब बेसिकली आपने अगर प्रोप्राइटी ऑडिट के डेफिनेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आप स्टैंडर्ड्स, कस्टम और पब्लिक इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो, ठीक है. तो यहाँ ऑलमोस्ट हर पॉइंट में पब्लिक इंटरेस्ट वाला पॉइंट कवर किया गया है कि प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स,
ठीक है, कोई भी काम आप ऐसा नहीं करोगे जो कंपनी के अगेंस्ट हो. देन थर्ड है, वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी. कोई एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टेड कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है. वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है, उसमें जो भी एसेट्स हैं एस शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कोई और सिक्योरिटी है, क्या उनको आप जो भी अवेलेबल प्राइस है, जो भी मार्केट प्राइस है जिस पे आपने उसको परचेज़ किया था, क्या आप उसको परचेज़ प्राइस से कम में सेल तो नहीं कर रहे? ठीक है, आप परचेज़ प्राइस पे कम पे सेल करोगे तो बेसिकली आपका लॉस है, और आप लॉस में तभी सेल करोगे जब आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, तो कुछ अनड्यू बेनिफिट तो नहीं हो रहा. हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच देवर परचेज्ड बाय द कंपनी. ठीक है, जो भी एसेट्स हैं कंपनी के, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के भी यही एसेट्स होते हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं किया है. इनके अलावा जो भी कंपनीज हैं जिनके एसेट्स में शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल आ रहे हैं, तो क्या आपने उसको जितने में परचेज किया था उससे कम प्राइस में तो नहीं बेचा? ये सब चीज़ें प्रोप्राइटरी ऑडिट के एरियाज़ हैं जो ऑडिटर एग्जामिन करेगा. ठीक है, ये आप चेक करोगे कंपनी में. वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स. ठीक है, कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस जो भी कंपनी ने दिए हैं, कहीं उसको डिपॉजिट्स की तरह शो तो नहीं किया? ठीक है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट. खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आते, हमेशा बिजनेस एक्सपेंस, कंपनी के एक्सपेंसेस आते हैं. तो क्या कोई ऐसा पर्सनल एक्सपेंस है जो आपने रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज कर लिया है? ठीक है, वेदर इट इज़ स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, कि आपने कैश पे कोई क्या नाम है शेयर्स अलॉट किए थे, एंड अगर आपने शेयर्स अलॉट किए हैं कैश में तो क्या वो कैश आपके पास रिसीव हो गया है अलॉटमेंट के बाद, और अगर आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है तो आपने बैलेंस शीट में क्या पोजीशन दिखाई है उसकी, अपने बुक्स में उसको कैसे शो कर रहे हो कि करेक्ट है, रेगुलर है, एंड आप कुछ मिसलीडिंग तो शो नहीं कर रहे कि आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी आपने अगर शेयर सेल किए हैं कैश में तो आप दिखा रहे हो कि आपको कैश रिसीव हो गया है. ठीक है, तो आप करेक्ट एंट्रीज करोगे, बैलेंस शीट में करेक्टली शो करोगे, एंड मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हो. ठीक है, whether cash has actually been received and if no cash has actually been received, whether the position as stated in the books of accounts and balance sheet is correct, regular and not misleading. ठीक है, हमने ये सारे points इसमें check किए हैं. A control has been set up to verify the receipt of cash in case of allotment of shares for cash. ठीक है, proper control setup होगा cash को verify करने के लिए. Further, अगर cash हमारे पास received नहीं हुआ है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोज द ट्रू पिक्चर. ठीक है, वो ट्रू पिक्चर शो कर रहे हैं. इसी सेंटेंस को बेसिकली अलग लैंग्वेज में रिपीट किया है, एंड इन पॉइंट्स को आपको लर्न करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं LATAEC. L इज लोन फॉर एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस LA, एंड T इज ट्रांजेक्शंस, A इज एसेट्स, E इज एक्सपेंसेस, C इज अलॉटेड फॉर कैश. ठीक है, कैश, तो LATE late AC. ठीक है, इसको आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो, लेट AC कि क्या क्या एरियाज हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. आपने जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी जो चैप्टर्स हैं उसमें जब अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर्स का, तो आपने देखा होगा कि हर जगह जहाँ पर भी गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ पे हमेशा CAG का रोल आ जाता है. ठीक है, वहाँ पे अपॉइंट करना होता है तो CAG चाहिए, ऑडिट हो रहा है तो CAG चाहिए, कोई भी टेस्ट एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट हो रहा है तो आपको CAG चाहिए. गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भी होता है, स्कोप डिफाइन कर रहा है वो भी CAG डिफाइन कर रहा है. ठीक है, तो हर चीज़ CAG के परमिशन से होती है, उसके अप्रूवल से होती है. तो गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऑडिट में CAG का रोल क्या है? ठीक है, CAG बेसिकली करता क्या क्या है. रोल ऑफ CAG इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. रोल ऑफ CAG इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 5, 6, 7 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द CAG ऑफ इंडिया शेल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 5
or subsection 7 of section 139, that is appointment of first auditor or subsequent auditor. ठीक है, कंपनीज एक्ट में फर्स्ट ऑडिटर और सबसीक्वेंट ऑडिटर आप जब भी अपॉइंट करते हो एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 7, तो आपको सीएजी जो है वो अप्रूव करेगा, सीएजी अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, फिर उसमें फर्दर प्रोविजंस आपने पढ़ा होगा कि अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पा रहा है तो इतनी डेज में बोर्ड करेगा, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पा रहा है देन आपके मेंबर्स अप्रूव करेंगे. तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सिर्फ सीएजी का बता रहे हैं कि उसका क्या रोल है, हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए हमने बाकी चीज़ें मैंशन नहीं करी है, सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस दिया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी अपॉइंट करेगा. ठीक है, एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. ठीक है, वो बताएगा कि गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करना है, एंड देयर अपॉन द ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड शुड सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू द सीएजी ऑफ इंडिया विच अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड द डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय द सीएजी. ठीक है, जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट की, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सीएजी को सबमिट करेगा, एंड उस रिपोर्ट में डायरेक्शंस होने चाहिए जो भी आपके सीएजी ने आपको डायरेक्शंस दिए थे ऑडिट करने के लिए. ऊपर मेंशन था ना कि क्या क्या डायरेक्शंस होंगे, वो सब सीएजी बताएगा ऑडिटर को कि कैसे ऑडिट करना है. ठीक है, द एक्शंस टेकन एंड द इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. जो ऑडिट रिपोर्ट होगी जो एक ऑडिटर सबमिट कर रहा है सीएजी को, तो वो जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपके क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, एक तो आपकी डायरेक्शंस कवर होंगी, ठीक है, एक आपका एक्शंस कवर होंगे और एक आपका इम्पैक्ट कवर होगा. ठीक है, डायरेक्शंस, एक्शंस और इम्पैक्ट, ये तीन चीज़ें आपको कवर करनी है जो आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करोगे सीएजी को. ठीक है, जो ऑडिटर सबमिट करेगा. Now the CAG of India shall within 60 days from the date of receipt of audit report have a right to, जब भी audit report receive हुई है CAG को, उस audit report के receiving से 60 days के under उसके पास right है, CAG के पास right है supplementary audit conduct करने का. ठीक है, और test audit conduct करने का. supplementary audit और test audit क्या होता है हम देखते हैं. Conduct a supplementary audit of the financial statements of the company by such person or persons he may authorize in this behalf. CAG जिनको authorize करेगा वही supplementary audit करेंगे. And for the purpose of such audit require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized. ठीक है, जिसको भी authorize किया है उसको जो भी additional information चाहिए वो company provide करेगी. On such matters by such person or persons, वो persons appoint करेंगे जो भी company में काम कर रहे हैं, जिस form में मांगा है उस form में provide करेंगे. किनको provide करेंगे, जिनको CAG authorize कर रहा है supplementary audit करने के लिए. ठीक है, as the CAG may direct, जैसे जैसे CAG बताएगा उसी form में उसी manner में वो लोग उस authorized person को details provide करेंगे. ठीक है, and क्या क्या करेगा, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट. जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके बाद, जो ये सच ऑडिट रिपोर्ट का मतलब जो ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ओरिजिनल रिपोर्ट जब रिसीट हुई थी उस रिसीट से 60 डेज के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट होगा, जिसमें सीएजी डायरेक्ट करेगा कि क्या फॉर्म, क्या मैनर होगा, कैसे कैसे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एंड कमेंट करेगा. और जो ऑडिट रिपोर्ट थी, ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में अनेक्स हो जाएगी. ठीक है, सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि ऑलरेडी जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें एक सप्लीमेंट भी ऐड हो जाएगा. नाउ इट मे बी नोटेड दैट एनी कमेंट्स गिवन बाय द सीएजी और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शिल बी सेंड बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो भी ये रिपोर्ट है प्लस जो सप्लीमेंट साथ में लगाया गया है, जो भी सप्लीमेंट्री ऑडिट की जो भी कमेंट्स थे, जो भी उसकी हमारे पास व्यूज़ आए, जो भी हमारे पास उसके लिए रिगार्डिंग पॉइंट्स आए, क्वालिफाई किया या कुछ भी किया, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एरियाज निकल कर आए, ठीक है, वो जो भी सप्लीमेंट रिपोर्ट है उसको हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगाएंगे. एंड जिनको भी हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करते हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के, जो भी ट्रस्टी हैं, जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनको और कोई भी पर्सनस हैं जिनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उनको साथ में सप्लीमेंट भी जाएगा. ठीक है,
इन ऑल्सो प्लेस बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. एनुअल जनरल मीटिंग में आप प्लेस करोगे एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट. बेसिकली ये बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑडिट रिपोर्ट को आप डील करते हो, जैसे जैसे ऑडिट रिपोर्ट का रिपोर्ट जाती है, जिस दिन उनको सर्कुलेट करते हो, AGM में प्रेजेंट करते हो, एंड उसके बाद जैसे जैसे ऑडिट रिपोर्ट आप सर्कुलेट करोगे, जो भी मीटिंग्स होंगी जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, वो सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ जाएगा. ठीक है. नाउ टेस्ट ऑडिट. फर्दर विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर, जो भी ऑडिट एंड ऑडिटर के सेक्शंस हैं, जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए, CAG जो है वो इन केस ऑफ एनी कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5(7) ऑफ सेक्शन 139, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज, इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 190A ऑफ द CAG Duties, powers and conditions of service Act 1971 shall apply to the report of such test audit. Now वो बोल रहा है कि जो normal audit के provisions हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम overlap नहीं करेंगे. ठीक है. उनको हम without prejudice, मतलब कि उनको ध्यान में रखते हुए उनको कोई effect नहीं होना चाहिए, वो sections follow होंगे. साथ के साथ एक CAG के पास पावर है कि वो टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है उस कंपनी का, एंड उसको जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं उस पर्टिकुलर एक्ट में 1971 में, वो भी कंप्लाई करना है टेस्ट ऑडिट की रिपोर्ट को फर्निश करते टाइम. ठीक है. आपको इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आएगा. जस्ट रिमेंबर द नेम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971. ठीक है. उसमें जो भी मेंशन है आपको टेस्ट ऑडिट करते टाइम उसकी रिपोर्ट में उन सब कंडीशंस को कंप्लाई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ABG and company, a chartered accountant firm, has been appointed by CAG for performance audit of sugar industry. What factors should be considered by ABG and company while planning a performance audit of sugar industry? Now, ये क्या बोल रहा है कि ABG and company को appoint किया है CAG ने performance audit करने के लिए sugar industries का, तो आप क्या क्या factors ध्यान में रखोगे? Performance audit क्या होता है? Company का performance check करना. ठीक है. क्या एंटिटी जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है, इफेक्टिवली काम कर रही है? ठीक है. जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, इकोनॉमिकल वे में काम कर रही है? ठीक है. प्रोग्राम्स क्या हैं कंपनी के, फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेशंस कैसा है, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, तो बेसिकली ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, कैसे काम कर रही है, उन सब चीज़ों को चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है. अभी पर्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है. वाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ऑडिटर शुड टेक केयर ऑफ द सर्टेन फैक्टर्स विच आर लिस्टेड बिलो. ठीक है. और वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर ये शुगर इंडस्ट्री के अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन भी आता है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट करते टाइम आपको जो भी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है वो बेसिकली हर एक इंडस्ट्री में सेम ही होगा. ठीक है. कुछ एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं जो डिफर करेंगे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, बाकी ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप एक कंपनी की एक इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो तो मोरल लेस आप सेम चीज़ें चेक करोगे. ठीक है. तो अगर पेपर में शुगर इंडस्ट्री के अलावा कुछ और आ जाता है तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो फैक्टर्स देखते हैं. टू कंसिडर द सिग्निफिकेंस एंड द नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स में बेसिकली स्टेक होल्डर्स कवर होते हैं, जिन जिनको ऑडिट रिपोर्ट मिलती है. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है और उनकी नीड क्या है, हम ये ध्यान रखेंगे. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि अल्टीमेट उनकी नीड क्या है, हमें जो रिपोर्ट देनी है उसमें हमें क्या दिखाना है, कैसे लेना है, तो कंपनी काम कैसे करेगी? तो आपको यूजर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करना है. ठीक है. मतलब ये करना है, मैं आपको एज अ कंपनी नहीं बता रही, ऑडिटर ये चीज़ें चेक करेगा कि उसके रिगार्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है. जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, जो भी यूजर्स हैं, उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही. ठीक है. क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑडिटेड. जिस प्रोग्राम को भी आप ऑडिट कर रहे हो उस प्रोग्राम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो. ठीक है. तभी आप चेक कर पाओगे कि वो प्रॉपरली प्रोग्राम फर्निश हुआ है या फिर प्रॉपरली परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है.
टू कंसिडर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. आपको लॉज कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पेनल्टीज, फाइंस, आपको कुछ भी एप्लीकेबल हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ऑफिसर्स को. तो आपको लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, ठीक है, कि काम इंडस्ट्री जो है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, कंप्लाइंस कर रही है प्रॉपर कि नहीं कर रही, ठीक है, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स कैसे हैं और प्रॉपर है कि नहीं है. आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया नीडेड टू इवेलुएट मैटर्स सब्जेक्ट टू ऑडिट. जो भी ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको क्या क्राइटेरिया है उनको इवेलुएट करने का, वो आप चेक करोगे, वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको हम कैसे इवेलुएट करें, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट्स आप और किसी में भी लगा सकते हो, किसी और इंडस्ट्री में भी. कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है कि शुगर इंडस्ट्री के लिए ये पॉइंट्स हैं, ये किसी के लिए भी हो सकते हैं. जैसे अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े कि पोटेंशियल यूज़र्स का क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन कर रहे हो, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर रहे हो, मैनेजमेंट कंट्रोल्स चेक कर रहे हो, क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं मैटर्स को इवेलुएट करने के जो भी रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, ऑडिट से रिलेटेड हैं, ठीक है. तो आप इन सबको किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे, सिमिलर पॉइंट्स अप्लाई करोगे, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. ऑडिटर शुड डिटरमिन इफ मैनेजमेंट हैज़ करेक्टेड द कंडीशंस कॉजिंग दोज फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेड दोज रिकमेंडेशंस. ये बोल रहा है कि पिछले ऑडिट में जो भी फाइंडिंग्स थी, जो भी ऑडिटर के रिकमेंडेशंस थे, क्या वो करंट ऑडिट को तो अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और पहले जो भी ऑडिटर्स ने फाइंडिंग्स दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी, क्या उस फाइंडिंग्स पे कोई एक्शन लिया है मैनेजमेंट ने, या फिर जो भी उन्होंने रिकमेंड किया था क्या उसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया, और उसका करंट ऑडिट पर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है. To identify the potential sources of the data that could be used as audit evidence and consider the validity and reliability of these data, including data collected by the audited entity, data generated by the auditors and data provided by the third parties. Basically data validation कर रहे हो आप कि जो भी आपके sources हैं data के, audit evidences जो आप collect कर रहे हो वो कितने reliable हैं, कितने valid हैं, and जो भी data collect हो रहा है, जो भी audited entity है उसने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, या फिर जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने कोई डेटा कलेक्ट किया है, या फिर आपको थर्ड पार्टी कोई डेटा प्रोवाइड कर रही है, बी इट एनी काइंड ऑफ डेटा, तो आप उसको चेक करोगे कि क्या सोर्स है और वो डेटा रिलायबल है या नहीं, क्योंकि आप उसको एज एन ऑडिट एविडेंस अपने ऑडिट में यूज़ कर रहे हो, तो कहीं से भी प्रोवाइड हो रहा हो आपको, आपको उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है. To consider whether the work of the other auditors and experts may be used to satisfy some of the auditor's objective. कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो auditors को नहीं पता होते. Audit experts का एक example अगर मैं दूँ आपको, तो जैसे कि actuaries हो गए, ठीक है, आप gratuity वगैरह valuation करते हो तो आपको उनकी report चाहिए होती है, तो आप outside experts की help ले सकते हो कि आपको अगर अपने कोई objectives मतलब जैसे आपको financial statements में disclose करना होता है, तो आप अपने फुलफिलमेंट के लिए अब एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हो. टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू द ऑडिट. ठीक है, बहुत बड़ी पब्लिक एंटरप्राइज है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास सबका ऑडिट है तो आप पता लगा सिर्फ दो लोगों को भेज रहे हो वहाँ पे ऑडिट करने के लिए, तो वो तो हैंडल नहीं कर पाएंगे ना, या प्लस पता लगा आपने फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स को भेज दिया तो उनको भी नहीं पता, तो सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है, और एक रिटर्न ऑडिट प्लान होना चाहिए प्रॉपरली, तभी आप ऑडिट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे से कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे. अगर आपके पास रिटर्न ऑडिट प्लान नहीं होगा तो सब हाफ हजार मैनर में होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ऑडिट ऑफ पीएससी उसका पीएम कवर होता है. नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम कॉस्ट ऑडिट टेकअप करेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू गाइज वीडियोज़ मोर फ्रिक्वेंटली नाउ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और आप लोगों को भी सिलेबस कवर करना है फटाफट, तो हम फटाफट से सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है. थैंक यू.